हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुबोध रावत। तो साथियों, मैं आपको कुछ क्विक से अपडेट देना चाहता हूं। यहां पे पहला जो अपडेट है वो है यूएस टूर का, जिसमें कि इंटेंस टूर जो है, चार लोग जो जा रहे हैं हमारे, पवनदीप, अरुणिता, दानिश एंड साइली। तो ये लोग निकल चुके हैं इंडिया से और अभी ये यूएस पहुंच जाएंगे। और यूएस पहुंचने के बाद इनका प्रोग्राम जो है, सारे जो कॉन्सर्ट जो हैं वो इस पर शेड्यूल होंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिसेंटली, पूरा डिटेल शेड्यूल, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रोग्राम 4 मार्च से शुरू होगा इनका, और लास्ट प्रोग्राम जो है वो 27 मार्च को है। तो ये वाला टूर जो है ये बिल्कुल एकदम से ऑन शेड्यूल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीजा लग चुका है, दे आर एन रूट राइट नाउ। ओके, तो ये तो हो गया है पहला अपडेट। नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद दानिश और हम लोग निकल चुके हैं हमारे इंटेंस टूर यूएस के लिए। तो बहुत जल्दी आप लोग के पास आ रहे हैं, बिल्कुल गाइस, कल मिलते हैं आपसे अटलांटा के अंदर। बहुत एक्साइटेड है हम लोग परफॉर्म करने के लिए आप सब लोगों के सामने। साथियों, ये है जो सिक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं 6, जो यूएस और कनाडा में जा रहे हैं। इसका मैं एक क्विक अपडेट आपको ये दे देता हूँ कि इसमें इंडियन आइडल 12 के 3 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसमें से शनमुखा प्रिया हैं, निहाल टोरो हैं एंड आशीष कुलकर्णी हैं। और इसके अलावा 3 कंटेस्टेंट्स जो है वो आपके इंडियन आइडल 11 से हैं, जिसमें अंकुना मुखर्जी हैं, रिद्धम कल्याण है और रोहित राउत हैं। तो ये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भी थे इंडियन आइडल 11 में, तो ये मिला के 6 हो गए। तो ये 6 लोग यूएस और कनाडा के टूर में जा रहे हैं। अभी इनका शेड्यूल नहीं आया है कि ये कब जाएंगे, लेकिन आप इसको टेंटेटिव ये मान के चलिए कि ये समवेयर यू नो मई जून जुलाई में कहीं पे इनका होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे कहीं पे जाएंगे। तीसरा जो अपडेट मैं आपको दे दूं वो है डायनेमिक ट्रायो। तो डायनेमिक ट्रायो मतलब आपका जो है, ये पवनदीप इसमें है और इसमें सलमान अली हैं और इसमें शनमुखा प्रिया है। ये यूरोप का टूर है, यूरोप और यूके का टूर है ये। ये पहले डायनेमिक डुओ था, मतलब इसमें दो लोग थे, पहले सलमान अली और पवनदीप थे इसमें केवल। लेकिन शनमुखा प्रिया ने जो अभी यूके का टूर किया है रिसेंटली, उसमें शनमुखा प्रिया की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स ने जो है शनमुखा प्रिया को भी पिक किया इसमें, तो इन्होंने डायनेमिक डुओ से इसको डायनेमिक ट्रायो बना दिया है। तो ये वाला जो टूर है, इसकी मैं आपको डेट्स तो नहीं आई है, लेकिन मैं मंथ बता देता हूँ, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई थी ब्लू रूम में, मैं उसके बेसिस में बोल रहा हूँ। जो रॉक ऑन ने करी थी वहां पे, उनकी होस्ट ने जो करी थी, उन्होंने बोला था कि सेप्टेम्बर में होगा। तो बिकॉज यूरोप और यूके का टूर है, तो हो सकता है ये काफी लंबा भी हो, ये 1 महीने का भी हो सकता है, जैसे इनका यूएस का टूर हो रहा है पवनदीप दानिश वगैरह का, तो ऐसा लंबा टूर भी ये हो सकता है। तो उन्होंने सितंबर बोला था, तो मैं सितंबर ये मान के चल रहा हूँ कि ये सितंबर में यूके में होंगे, या सितंबर में ओवरऑल यूरोप और यूके में हो सकता है। तो ये वाला कंफर्म है सितंबर में होगा। तो ये क्विक अपडेट्स है मेरी तरफ से साथियों। तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले जो पहला फर्स्ट कॉन्सर्ट होगा यूएस में इन चार लोगों का, उसमें जो भी वीडियोज आएंगे, मैं उनको जो मुझे मिलेंगे मैं उनको अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से रिव्यूज भी दूंगा। और 6 मार्च वाला तो मुझे लग रहा है कि मैं डेफिनेटली इसमें लाइव हो जाऊंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल से, बट मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं आपको, मैं उसको 5th के आसपास मैं कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं जल्दी मिलता हूँ आपके अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। गुड बाय एंड जय हिंद साथियों।